इस वीडियो में हम बताने वाले हैं ईवे बिल और ई इनवॉइस में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है। ये बेसिकली क्या है ना, सिक्योरिटी पर्पस से एक फैसिलिटी लाया गया है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही आप लॉग इन करिएगा या ई इनवॉइस या ईवे बिल वाला पोर्टल पे, तो आप लॉग इन करने का दो दो स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्या स्टेप आप फॉलो करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आईडी पासवर्ड जो आपका है, यूजर आईडी पासवर्ड से लॉग इन करिए। उसके बाद क्या है ना कि ये तो वन फैक्टर हुआ। दूसरा क्या है कि आप जैसे ही लॉग इन के रिक्वेस्ट डालिएगा ना, आपको ओटीपी जाएगा। ओटीपी तीन जगह पे जाएगा। ओटीपी थ्रू SMS है, ओटीपी जो हो गया वो संदेश मोबाइल ऐप पे जाएगा, और NIC GST सील्ड ऐप जो है इस पे जाएगा। तो ये तीन मीडियम है कि ये तीन में से किसी एक पे ओटीपी जाएगा, किसी एक से उठाइए और वहां पे डालिए। तो ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है कि बोलता क्या, डियर टैक्स पेयर, टू इनहेंस द सिक्योरिटी ऑफ ईवे बिल और ई इनवॉइस सिस्टम, मतलब इस सिक्योरिटी पर्पज से लाया गया है। ऐसे क्या होता है, अगर मान लीजिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन अगर आप ऑन नहीं किए हैं, तो आपको क्या है, सिर्फ यूजर आईडी पासवर्ड से डायरेक्ट लॉग इन कर सकते हैं, आपको ओटीपी का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आप अगर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर दिए हैं, तो आप जब जब लॉग इन करिएगा, तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ओटीपी एंटर करना पड़ेगा, तभी आप पोर्टल को एक्सेस कर पाइएगा। तो ये है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। आप अगर, मेरा सलाह आपको बहुत ज्यादा ये नहीं है, तो आप वन फैक्टर ही रखिए, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं करिए। क्योंकि ओटीपी बार बार, बेसिकली क्या, फोन नंबर किसी और का या तो ओनर का या किसी और का दिया हुआ, तो बार बार ईवे बिल जनरेट करने के लिए, सारा चीज के लिए आपको कुछ भी एक्सेस करना है, तुरंत ओटीपी चाहिए, ओटीपी चाहिए। तो इस चीज से बचने के लिए आपको ये है। लेकिन सिक्योरिटी पर्पज से अब अगर आप देखना चाहते हैं, तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन सही चीज है। ये चीज आप इनेबल कर सकते हैं। तो ओवरऑल यहां तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है, ईवे बिल का और ईवे इनवॉइस का। जैसे लेट सपोज अगर आप देखिए, यहाँ पे हम लॉग इन करते हैं, ठीक है। जैसे ही लॉग इन करेंगे ना, यहाँ पे क्या बोलेगा मेरे को, एफ, ये जैसे ही अगर हम लॉग इन करते हैं, लॉग इन करते ही देखिए एक पॉपअप देगा मेरे को, ठीक है, टू इनहेंस द सिक्योरिटी ईवे बिल इनवॉइस। आपको बोलता है, मतलब ये चीज ऑन नहीं है, ये चीज ऑन करने बोलता है। अगर आप, अगर ये अगर अभी ऑन नहीं है, तो क्या क्या, ओटीपी नहीं मांगा, ओके कर दीजिए, ये तो ठीक है। अगर आपको ऑन करना है, तो आपको क्या करना है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन देखिए नीचे ये है, आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, इंस्टॉल संदेश ऐप इंस्टॉल करना है, जो जो भी, तो ये चीजें रजिस्ट्रेशन आप कर लीजिए यहाँ से, और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल कर लीजिए। आपका जब भी हो, तो आपको संदेश ऐप पे या फिर ये वाला, मतलब जो ऐप होगा उस पे ओटीपी आ जाएगा, तो फोन नंबर पे ओटीपी आ जाएगा। तो यहाँ से आप इस तरह से टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का लाभ उठा सकते हैं। बहुत अच्छा चीज़ है, सिक्योर है। ठीक है, थैंक यू।